लगता है। आश्वासन क्या मिला है अफसरों की तरफ से? बोल दिया ठीक है गाड़ी भेज रहे हैं आपका मैनुअल पानी कर देंगे। पानी है तो अभी करवा देंगे, बाकी थोड़ा टाइम लगेगा उसमें। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम देशराज है। देशराज जी कहाँ से आए हैं और आज नगर निगम आए हैं? नगर निगम में आए, क्या समस्या लेके आए? समस्या की हमारी कम से कम एक महीने करीब हो गया उनको कंप्लेंट लिखे हुए भी। एक तो हमारे यहाँ मैनहोल टूटा हुआ है जिसमें सरकारी स्कूल में बच्चे पढ़ने जाते हैं, मेन रास्ता है वो, किसी बच्चे के साथ कुछ भी हादसा हो सकता है, लेकिन इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं करी अभी तक। और एक बच्चा बता रहे हैं ये गिर भी गया कोई, इन्होंने खुद निकाला है। और एक सीवर बिल्कुल जाम पड़ी है 8-7 दिन से, बार बार कंप्लेंट करने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई और पूरी गली भरी पड़ी है, सड़ा पड़ा है। और ये देखो पानी ये स्लिप हो गई थी गली में और इनके देखो हाथ में चोट आई है। अब आप यहाँ पे नगर निगम के अधिकारी से मिले, क्या आश्वासन मिला है? अभी उन्होंने आश्वासन दिया है कि अभी हम दोपहर बाद खुलवा देते हैं, सीवर को सफाई करा देते हैं, अब देखते हैं कि आते हैं कि नहीं आते। अगर कार्रवाई पूरी नहीं होती तो अगला कदम क्या होगा? अगला हम कमिश्नर साहब के पास जाएंगे, उनसे एक बार दरखास्त तौर करेंगे। आश्वासन क्या मिला है अफसरों की तरफ से? बोल दिया ठीक है गाड़ी भेज रहे हैं आपका मैनुअल पानी कर देंगे। पानी है तो अभी करवा देंगे, बाकी थोड़ा टाइम लगेगा उसमें। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम देशराज है। देशराज जी कहाँ से आए हैं और आज नगर निगम आए हैं? नगर निगम में आए, क्या समस्या लेके आए? समस्या की हमारी कम से कम एक महीने करीब हो गया उनको कंप्लेंट लिखे हुए भी। एक तो हमारे यहाँ मेन हॉल टूटा हुआ है जिसमें सरकारी स्कूल में बच्चे पढ़ने जाते हैं, मेन रास्ता है वो, किसी बच्चे के साथ कुछ भी हादसा हो सकता है, लेकिन इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं करी अभी तक। और एक बच्चा बता रहे हैं ये गिर भी गया कोई, इन्होंने खुद निकाला है। और एक सीवर बिल्कुल जाम पड़ी है 8-7 दिन से, बार बार कंप्लेंट करने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई और पूरी गली भरी पड़ी है, सड़ा पड़ा है। और ये देखो पानी ये स्लिप हो गई थी गली में और इनके देखो हाथ में चोट आई है। अब आप यहाँ पे नगर निगम के अधिकारी से मिले, क्या आश्वासन मिला है? अभी उन्होंने आश्वासन दिया है कि अभी हम दोपहर बाद खुलवा देते हैं, सीवर को सफाई करा देते हैं, अब देखते हैं कि आते हैं कि नहीं आते। अगर कार्रवाई पूरी नहीं होती तो अगला कदम क्या होगा? अगला हम कमिश्नर साहब के पास जाएंगे, उनसे एक बार दरखास्त तौर करेंगे।